Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam, Dr. Ashraf Sahibzada. Ji, meri jaan, bol raha hoon. Kaun sahab bol rahe hain, kahan se? To Dr.Abassi bol raha hoon, Murree se. Ji, Abassi sahab, farmaye kya puchna chahte hain? Ye sahib ke baare mein puchna chahta tha. Pehle hamare aaj se 20-25 saal pehle hamare jo sahib hote the na, sahib ka baagh tha, bol raha tha. Ji, ji. To कोई हम इतना स्प्रे भी नहीं करते थे और हो जाते थे. अब मैंने नए ड्रग्स तैयार किए, वो खत्म हो गए थे जी दोबारा से. तो उनके साथ फूल बहुत लगता है जी, लेकिन वो फूल सूख के गिर जाता है. गंजी जो है ना वो इजी होके वो गिर जाती है, आगे वो बनता नहीं है. ठीक. हाँ, ये नहीं बन पाता. तो इसके लिए कोई लेकर ट्राई करें. ये इसको ये केरा केरा इसको कहते हैं आम तौर पे ना, फ्रूट्स का ये बागात का एक ये खासा प्रॉब्लम है बागात में. हैं जी, ये आप आप ही नहीं इससे परेशान, ये ज़्यादा परेशान है वो जो सिट्रस वाले हैं. हमारे आलू बुखारा भी है मेरा. आलू बुखारा भी, हाँ. हाँ जी, फौरन उसके साथ वो बन जाते हैं. हाँ, लेकिन इसके पहले हमारे जो सेब होते थे वो ज्यादा होते, जिस तरह आजकल हमारे आलू पुख्ता हो रहा है, जिस तरह पहले हमारे सेब होते थे. हाँ, नहीं क्या हुआ उनके साथ सेब बहुत कम होता है. फूल लगता है. हाँ, वो वैरायटीज जो लगाई है आपने, लो चिलिंग वैरायटीज है या हाई चिलिंग वैरायटीज? काला कोलू लगाया है, वो गोल्डन है, सब की मैंने लगाई है. ज्यादातर पहले हमारे अमरी होते थे यहाँ. हाँ अमरी, हाँ. किस साइड पे है ये, सनी बैंक की साइड पे है? नदी पे आगे पुल है, ये जो बुरबन पीसी होटल है ना. हाँ हाँ, उस साइड पे है. रोड गाँव है. रोड, हाँ हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ तो साइड पे मैंने वो भी बहुत देखे हैं आपके, ये वाइल्ड ऑलिव जो होता है, कऊ कऊ के बड़े है ना, कऊ भी मैंने बहुत देखे हैं आपके. तो इसका क्या हाल है? उसका इसका यही हाल है कि इसकी एक तो खुराक का इंतज़ाम सही किया जाए, यानी कि इसमें फर्टिलाइज़र की सही मकदार में और सही वक्त पे, बर वक्त ये आप इसकी के नीचे और जितनी उसकी कैनोपी है, घेरा नहीं है जो छतरी बनती है, उसके नीचे आप ज़्यादातर आपके पास मिल जाता है पोल्ट्री लिटर, पोल्ट्री की खाद काफ़ी मिल जाती है, वो डाल सकते हैं. अगर गली सड़ी गोबर की गाय है जी, हाँ गोबर हो, हाँ या, साथ वो मैं एक शेड्यूल देता हूँ कि आप इतने साल का पौधा हो तो उसको कितने ग्राम कितना आपने वो डालना है, नाइट्रोजन उसमें और फास्फोरस कितनी, पोटाश कितनी चाहिए. तो ये सारा बैलेंस्ड किस्म की जब डाइट ये हो जाएगी ना उनकी, न्यूट्रिशन यानी ये फर्टिलाइज़र वगैरह, तो फिर उसके बाद ये कम गिरने शुरू होंगे. दूसरा ये कि मौसम का तगैयर भी आपको मालूम ही है कितना होता है हमारे मरी में, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा है ना. पहले जी अच्छा मौसम है, ठंडा है. अच्छा ठंडा है, लेकिन फिर भी देखना होता है कि इसमें स्ट्रेस नहीं आना चाहिए पानी का, पानी भी इसका और बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं लगाना, फिर उससे फ्रूटिंग बहुत कम बनती है या फ्लावरिंग भी कम होती है. जब ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइज़र या पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं ना, पानी लगाते हैं, बारिश से ही, हाँ ये तो बारिश से ही है अल्लाह ताला की तरफ से. इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा बासी साहब. ये आप ज़रा ख्याल रखें,
नीचे जो है ना उसको खाद वगैरह अच्छी डालें, ठीक है, खाद डालें पहले महीने में, हैं, जनवरी में, फरवरी में। हाँ ये तो बहुत ही ज़रूरी है ना, मैं तो दिसंबर से लगवा दे, जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं उनमें दिसंबर जनवरी फरवरी में तो ज़रूर लगा डालनी चाहिए। नहीं, नहीं, सब में डालता हूँ, बल्कि जो भी हैं दरख्त, इनके तो बड़े दरख्त हो गए थे लेकिन आलू बुखारे के मेरे छोटे थे तो उनको तो मैंने बकायदा इसी तरह करके तो मैंने गली गली गोबर डाली थी। हाँ उससे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। अच्छा, चूना वाला भी लगाना है ना? चूना भी लगाना है, वो तो बहुत जरूरी है ना। स्प्रे की है जी, स्प्रे तो नहीं बचा सकता फूलों को? नहीं नहीं, स्प्रे तो कीड़े के लिए होता है, वो तो या कीड़े के लिए या बीमारियों के लिए। कीड़ा नहीं लगता, वो जो मैंने जो रिकमेंड करता हूँ वो आप देखते रहे इंशाल्लाह ताला। मैं एप्पल पे भी ना, मैं अभी सोच रहा हूँ कि अब्बासी साहब इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन सा एक नया ताज़ा एक एप्पल पे प्रोग्राम कर देता हूँ, ठीक है? एप्पल का कर दे तो बहुत मज़ा आ जाए। अच्छा लेकिन वो नहीं मेरी जान, आप फिकर नंबर भी आपका मेरे से मिस हो गया था, फिर वो बड़ी मुश्किल से काफी प्रोग्राम नंबर मिला। हाँ जी, वो असल में मैं ना इतना दूसरी मसरूफियात मेरी इतनी ज्यादा थी कि मैंने ये प्रोग्राम ये फोन नंबर जो है ये बंद किए रखा और बड़ी देर तक रखा बंद। अब इसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ फ़र्ज़ फ़राइज़ जो हैं बच्चों के वो पूरे हो गए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा फील किया कि मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो वो मैंने इसको ऑन कर दिया। और मैंने टाइम पहले टाइम फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब मैंने 11 बजे से 1 बजे तक कर रखा हुआ है, और जो ही 1 बजता है अजान शुरू, अभी अजान की आवाज़ शुरू हो गई है, मैं मुझे आ रही है। आज मैं कुदरती एक कल भी प्रोग्राम इसी कमरे में मैंने किए, ये बेडरूम में बेटी का जिसकी छोटी की शादी की है उसका है, उसमें आके बैठ के तो मैंने खाली था मुझे मिल गया वो। मेरा असल में जहाँ मैं कर रहा था ना वो सामने मेरे पड़ोसियों ने ना वो कुछ कंस्ट्रक्शन को करा रहे, कोई चीज़ लकड़ी का को आरा लगाया हुआ है, वो इतनी आवाज़ आरे की आ रही थी, तो मैंने कहा यार इधर से पीछे छुप के ही लोगों की काले सुन लूँ, लोगों के सवालों के जवाब दे दूँ, ठीक है ना। कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं इधर बैठा हुआ, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ गर्मी है, एक तो पंखा चलाऊँ तो उसकी आवाज़ आ जाती है, फिर वो रिकॉर्डिंग में मसला हो जाता है। चले अब एक ठीक नहीं, आप फिक्र ना करें, आप अपना नाम दोबारा से अपना रजिस्टर। हाँ चले ठीक है, अब्बासी साहब मैं आपको कर दूँगा, फिक्र ना करें, ओके, अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।